है एवरी वन हाउ यू ऑल आई होप यूर डुंग वेरी वेल दिस इ वर्किंग एज एन आर आई वेलकम यू ऑल टू माई यू ट्यूब चैनल सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करेंट अफेयर्स ओके हैव मेड मल्टीपल वीडियोज बिफोर बट हियर इन दिस वीडियो विल अगेन डिसकस एवरीथिंग इन डिटेल ओके सो इफ यू आर अ बैंकिंग एस्पायरेंट तो आपको प्री के स्टार्टिंग से ही मेन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है ये मैंने आपको हजार बार बोला है और जब आप मेन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं प्री के साथ ही साथ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है करेंट अफेयर्स आपको फर्स्ट डे से अगर आप एक बैंकिंग एस्पायरेंट है

दोस्ट जो कि आपको फेवरेबल लगते हैं ठीक है तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है कि एट टाइम्स मैंने स्टडी आई को एंड एट टाइम्स अडा टू को फॉलो किया है यहां पर जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि अडा टू फोर सेवन ये जो है यहाँ पे आपको फ्री यूट्यूब की क्लासेस मिल जाएंगी ये वाली पेड है ठीक डेली करंट अफेयर्स के लिए आप इनमें से कोई भी वीडियो फॉलो कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल मैं ये दो आपको रिकमेंड कर सकती हूँ बिकॉज मैंने इन्हें फॉलो किया अगर आप कोई और सोर्स फॉलो कर रहे हैं देन वेल एंड गुड ओके ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो सोर्सेस कोई ना कोई फॉलो करनी है अब आप कोई भी वीडियो सोर्सेस फॉलो करते हैं ना तो सारे लोग ये प्रैक्टिस रखते हैं कि सेवन डेज़ के डेली वीडियोस के बाद एक पक्का उनकी वीकली वीडियो आती ही आती है ठीक है चाहे उसका नाम बेस्ट टू हंड्रेड दे दिया जाए या बेस्ट हंड्रेड दे दिया जाए या फिर वीकली वीडियोज़ के नाम से हो लेकिन ऐसे uh, वीकली बेसिस पे रिविजन वीडियोस आती ही हैं तो साथ ही साथ उसको फॉलो करना मत भूलिएगा ठीक है उसके बाद अगर हम डेली पीडीएफ की बात करते हैं तो अफेयर्स क्लाउड का डेली पीडीएफ मैंने आपको बहुत बार रिकमेंड किया हुआ है आपको डेली सिर्फ टेन मिनट्स टेन टू फिफ्टीन मिनट्स दे ये डेली पी कवर करते हुए चलना है तो वीडियो प्लस ये डेली पी को पढ़ने में आपको वन आवर से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए ठीक है आप लोग बोलते हैं कि हमें जो अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन है वो क्यों लेना है जबकि हमें टेलीग्राम से फ्री में वो मटेरियल मिल जा रहा है ठीक है आपको बहुत सारे अलग अलग ग्रुप से आप जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे आपको फ्री में कुछ पी मिल जाते हैं लेकिन कई बार क्या होता है आप बहुत सर्च करते हैं फिर भी आपको नहीं मिलते आप इससे मांगते हैं उससे मांगते हैं एक्चुअल में मैंने ये आपको हमेशा से क्यों रिकमेंड किया है बिकॉज आजकल बहुत सारी फ्रॉड्स हो रहे हैं अफेयर्स क्लाउड के नाम से आपको कोई भी पीडीएफ पढ़ा देंगे कैसे पता चलेगा कि वो ऑफिशियल अफेयर्स क्लाउड का है कि नहीं है और ओवर कभी किसी का हंड्रेड हें, क्वेश्चन वाला पीडीएफ मिल रहा है कभी किसी का क्यू एंड मिल रहा है कभी किसी का पॉकेट मिल रहा है मतलब एक रेगुलर बेसिस पे आपको रेगुलर मटीरियल प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि अफेयर्स क्लाउड का आपको इस टाइप का पीडीएफ तो मिल जाएगा लेकिन अगर आप ऐप पे देखेंगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्विज इस चीज को आपको डेली रूटीन में अपने लाना है जैसे आप कहीं पर वॉक कर रहे हैं ठीक है टहलने जा रहे हैं तो ये सारे टाइम को आपको सेव करना है इस कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है तो उस समय आप इस अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं क्विजस देकर ठीक है जो भी आपका फ्री टाइम होगा उसमें आप क्विजस वगैरह लगाया करिएगा क्विजेस आपको अफेयर्स क्लाउड में मिल जाते हैं डेली आप जो भी पीडीएफ में पढ़ेंगे उसका एक रिविजन टाइप का हो जाएगा कि आप क्विज दे सकते हैं आप क्विज तो आपको टेलीग्राम में फ्रीली नहीं अवेलेबल होगा है ना और वहां पे आपको ऐप आप में मल्टीपल मतलब की पीडीएफ्स टॉपिक बेस्ड पीडीएफ्स एग्जाम बेस्ड पीडीएफ्स जैसे कमिटीज हो गए इन टॉपिक्स पे अवार्ड्स ऐसे ऐसे करके सारे अलग अलग टॉपिक बेस्ड पी भी वहां पर मिल जाते हैं तो ये सारे आपको फ्रीली टेलीग्राम में अवेलेबल नहीं होंगे ठीक है तो ये सारे को अगर आपको अवेल करना है तो अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना होगा ठीक है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा देख लीजिएगा एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मटीरियल कि आपको कहाँ से मिलेगा तो मैंने आपको बताया डेली वीडियोज उसके बाद जो वीकली रिविजन वाला पार्ट आता है वो आप कवर करते हुए चलिएगा ये पी को आपको डेली पढ़ना है वो कर लीजिएगा डेली क्विजेस देना है आपको और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो मंथली क्विजेस होते हैं ना मंथली क्यू एंड ए आप हमेशा पूछते हैं कि कौन वाला पीडीएफ आप पढ़ते थे अफेयर्स क्लाउड से तो जो मंथली क्यू एंड ए पीडीएफ होता है ना वो मैं हमेशा से रिकमेंड करती हूँ आपको ठीक है तो जैसे जो लास्ट मंथ्स होते हैं ना उसके आपको मंथली पीडीएफ्स को कवर करते हुए चलना है ठीक है मतलब अपना डेली बेसिस पे आप डिवाइड कर लीजिए कि आज मुझे इससे 20 पेजेस पढ़ने इस तरीके से वो पूरा एक मंथली पीडीएफ कवर हो जाएगा ठीक है जब आपका एग्जाम सामने होता है ना तो आपके एग्जाम से पहले के थ्री मंथ्स के पीडीएफ अफेयर्स क्लाउड के और उससे थ्री मंथ्स के ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता है इस तरीके से भी आप रिवाइज कर सकते हैं बिकॉज पूरे सिक्स मंथ्स के अफेयर्स क्लाउड के अगर आप पीडीएफ पढ़ने चलेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो मेक श्योर sure कि आपके ये थ्री मंथ्स के जो इससे लेटेस्ट के थ्री मंथ्स हैं उसके अफेयर्स क्लाउड के पी कवर हों और इससे पहले के थ्री मंथ्स के आप थोड़ा सा लिबरल हो सकते हैं सो मेमोराइज आपको कैसे करना है मैंने बता दिया कि आपको वीकली रिवीजन करना है आपको मंथली रिवीजन करते हुए चलना है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई हुई है जहां पर मैंने आपको अपने नोट्स दिखाए हैं उस तरीके के नोट्स अगर आप बनाते हुए चलते हैं तो आपके रिवीजन जो लास्ट मोमेंट रिवीजन होगा या लास्ट मोमेंट जो स्टडी होती है करंट अफेयर्स की उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो के एडिशनल में कि नोट्स मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किए थे और आपको ना बिल्कुल स्मार्टली पढ़ना है एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको यह दिखाया था कि कवर वन वीक करंट अफेयर्स इन लेस देन थर्टी मिनट्स वो वीडियो जरूर देखिएगा मैंने उसमें आपको एकदम अच्छे समझाया था। नोट्स आखिर हम कैसे बना रहे हैं और नोट्स बनाते हुए भी हम वन वीक के करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर कर ले रहे हैं सकते हैं हाउ कैन यू कवर वन वीक करंट अफेयर्स इन लेस देन थर्टी मिनट्स इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है तो ऐसा सरकमस्टेंसेस कभी भी आपके सामने आए तो बिल्कुल डरना नहीं है एक तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि आपको हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ते हुए चलना है लेकिन फिर भी अगर समझ लीजिए अभी आप ई सी वगैरह दे रहे हैं और बिल्कुल आपके ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो आप इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एंड नाउ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ ओके सो फर्स्ट वन इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अफेयर्स ओके तो बैंकिंग और फाइनेंशियल अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे देखिए अफेयर्स क्लाउड से पढ़ेंगे तो इसका एक अलग से पोर्शन होता है ठीक है मैं आपको एक पी प्रोवाइड कर रही हूँ ऑलिव बोर्ड का है फ्री पी आप एक बार उसको जरूर देखिएगा आपको समझ में आएगा कि आखिर बैंकिंग और फाइनेंस अफेयर्स में होता क्या क्या है ठीक है जिसके सामने भी ई सी वगैरह एग्जाम है उसके लिए पीडीएफ बहुत बेनिफिशियल है आप बिल्कुल इसे पढ़िएगा एंड एंड यू आर नॉट टेकिंग द एग्जाम वो भी इसे जरूर एक बार देखिएगा ठीक है कि आखिर बैंकिंग और फाइनेंस फाइनेंस अफेयर्स में आता क्या क्या है इस टाइप के ही क्वेश्चंस रहते हैं वन लाइनर फॉर्म में ये पीडीएफ है इसको जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा फ्री पीडीएफ है ठीक है तो बैंकिंग और फाइनेंस अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप ये करंट पार्ट पढ़ेंगे ना बैंकिंग और फाइनेंस अफेयर्स का तो उसमें कुछ टर्म्स आते हैं उन टर्म्स को भी अगर आप लिखते चले और एक दिन में ट्राई करें कि आप दो से तीन उन बैंकिंग टर्म्स को रिसर्च करके आप समझ सकें ठीक है कोई भी एक टर्म आया आपने उसको गूगल में टाइप किया और अपने आप दो तीन लाइंस में अपने नोट्स क्रिएट कर लिए या तो मेमोराइज कर लिया फिर स्टैटिक पढ़ना नहीं पड़ेगा ठीक है तो बैंकिंग के करंट अफेयर्स के साथ साथ, साथ स्टैटिक पार्ट को आप कवर करते जाएं और जो स्टैटिक जीके होता है लाइक ये वाला नेशनल पार्क कहाँ है ये एयरपोर्ट कहां पर है तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये सारी करंट से ही उठकर आती हैं कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया न्यूज़ पर है वहीं का स्टैटिक आपका आ जाएगा तो इसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करने की जरूरत है मैंने आपको हमेशा से बताया कि अफेयर्स क्लाउड में स्टैटिक का एक पार्ट होता है आप सिर्फ उतना ही अगर पढ़ लेंगे ना हर का उसमें पूरा एक पार्ट होता है ठीक है कम से कम ट्वेंटी में शामिल होते हैं तो आप उसको ही अगर पढ़ लेंगे दैट इज इनफ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो अब कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जैसे रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है रिपोर्ट्स आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है तो आपको याद रखना है उन रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स क्या क्या है और वो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है ये भी आपको ध्यान देना है ठीक है टू थ्री मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है ये आप ध्यान रखिएगा बजट हो गया इकोनॉमिक सर्वे हो गया ये सारी चीजें आप चाहे पूरे पूरे साल आप किसी भी समय एग्जाम दे रहे हो लेकिन उस ईयर का आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल अच्छे से उसके हाईलाइट्स माइंड में होने चाहिए कमिटीज हो गए कमीशन हो गए ये सारे आप अच्छे से रिवाइज करिएगा डेज थीम्स इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं तो डेज याद कर रहे हैं ठीक है लेकिन थीम्स भी इंपॉर्टेंट डेज के याद करना जरूरी है दैट वॉज ऑल फ्री डे माई डियर एस्पायरेंट्स इतनी चीज़ें अगर आपने कर ली ना तो बहुत ही आप बेस्ट कर सकते हैं करंट इंग्लिश और करंट अफेयर्स ही ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं दो टॉपिक्स हैं दो सेक्शंस हैं जहाँ पर आप अपना बेस्ट दे के बिल्कुल मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन करंट अफेयर्स इज जस्ट स्टेट डिसिप्लिन बस एक डिसिप्लिन आप मेन्टेन कर लीजिए कि मुझे डेली मॉर्निंग में जो एक जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो देखना ही देखना है डेली पीडीएफ पढ़ना ही पढ़ना है वीकली रिवीजन करना ही है मुझे मंथली क्यू एंड ए पढ़ना ही पढ़ना है ये सारी चीजें आप रूटीन में अपने ले आईए ऑलवेज टेल यू यू विल नेवर ऑलवेज सी मोटिवेटेड सो लर्न टू बी डिसिप्लिन साइड जस्ट फॉलो ऑल दिस थिंग्स एंड यू विल सी द रिजल्ट ओके सो दट वॉज ऑल दिस इज साबी साइनिंग ऑफ सी इन एंड नेक्स्ट सेशन टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग